हमारे जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे यदि हम कारखाने की बात करें तो कारखाने को चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है। वाहनों को चलाने के लिए हमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जैसे ईंधनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं इनको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसे हम घर में भोजन बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के भोजन को बनाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे लकड़ी हो, मिट्टी का तेल हो, एलपीजी है, कोयला है। इस तरह से हमें कई प्रकार के ईंधनों की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने भोजन को तैयार कर पाते हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों की आवश्यकता होती है, तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आता है कि वास्तव में ये ईंधन हमें कैसे प्राप्त हुआ होगा या किस तरह से इन ईंधनों की प्राप्ति होती है जिससे हमारे जीवन की अधिकांश जो आवश्यकताएँ हैं उन्हें हम पूरा कर पाते हैं। तो चलिए अब हम इस अध्याय में इसी पर चर्चा करेंगे, कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन जो कि ईंधन का ही एक स्रोत है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा जो है हमें इसी प्रकार के ईंधनों से प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करेंगे, वास्तव में कोयला क्या है। जैसे हम ये जानते हैं कि कोयला, पेट्रोल, डीजल हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। और क्या आपने सोचा कि क्या ईंधनों की प्राप्ति किसी प्रयोगशाला में होती होगी? ये वास्तव में बनते कहाँ हैं और बनते हैं तो कैसे बनते हैं? आपने ये पढ़ा होगा कि ये ईंधन जो हैं वो हमें करोड़ों वर्ष पहले की विभिन्न क्रियाओं का ही एक उत्पाद है, जिसे हमने पिछली कई कक्षाओं में पढ़ा है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है। तो कोयला जो है वो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक नया शब्द है, जीवाश्म ईंधन। तो ये जो जीवाश्म है वे क्या होते हैं? ये जो ईंधन होते हैं, इस प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, वे करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में दबे हुए जो जीव जंतु हैं और जो वनस्पति हैं उनके अवशेषों का ही रूपांतरण मात्र है। और ये जो रूपांतरण है ये विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से होती है, क्योंकि पृथ्वी के सतह के अंदर का जो दाब है, ताप है, वो लगातार बढ़ता जाता है। और इस दबाव के कारण, इस तापीय अभिक्रिया के कारण इन वनस्पतियों में और जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, कई परिवर्तन होते हैं, तब जाकर इस प्रकार के जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति होती है। इन जीवाश्म ईंधनों का बहुत प्रयोग में आने वाला जो उदाहरण है वह है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई, तो अब हम जानेंगे कोयले के बारे में। तो कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। लगभग 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में वनस्पतियों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के मृत शरीर लगातार पृथ्वी की सतह के नीचे दबते चले गए और उस पर धीरे धीरे मिट्टी की परतें भी जमती चली गई। ये मिट्टी की परतें जब जमती चली गई तो भूगर्भ के नीचे उच्च ताप और दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाएं होती गई। अब जब ये क्रियाएं होती गई तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये लगातार दबते चले गए और इनका जो शरीर है या पेड़ पौधे जो हैं उनमें रूपांतरण होने लगा, उनका जो मूल स्वरूप है वह खत्म होने लगा। और यही पेड़ पौधे करोड़ों अरबों वर्ष बाद हमें कोयले के रूप में प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि मूलतः जो कोयला है वह वनस्पतियों से ही बना है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसे गवाह, कई ऐसे पक्ष में तर्क हमें प्राप्त हुए हैं कि कोयले की परतों में बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं। और कुछ ऐसे जीवाश्म जिसमें कि
पत्तियों एवं पौधों के बहुत सारे अंग देखने को या उनके जो छापे हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पत्तियों के छापे इन कोयले पर प्राप्त हुए हैं। तो कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है और माना ये जाता है कि ये वनस्पति जीवाश्म है। तो कोयले की परत में या कोयले की परत पर पाए जाने वाले पत्तियों की छाप से ही आप समझ जाएंगे कि कई वर्ष पहले इनमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हुई, उच्च दाब ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया हुई। तो वनस्पति का जो मूल रूप था वह परिवर्तित होते होते कोयले के रूप में आज हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार पेट्रोलियम की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन ये माना जाता है कि पेट्रोलियम की उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले जो जीवित प्लवक हैं उनके द्वारा हुई है। समुद्र में पाए जाने वाले प्लवक जब जमते चले गए, दबते चले गए, और वहाँ भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी की तह से वो दबते चले गए और लाखों वर्षों तक उस पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही, तो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हुई वो भी यहाँ पर होती गई। और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं उच्च दाब पर मृत जीव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में परिवर्तित होते गए। तो जो समुद्री जीव हैं वे समुद्री जीव मृत हुए, मृत होने के बाद वे लगातार समुद्र के नीचे गहराई में दबते चले गए। इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च दाब एवं ताप पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती गई और इन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज के जीवन शैली में हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग कर पा रहे हैं। ये जीवाश्म ईंधन का ही एक प्रकार है जो कि समुद्री प्लवक से हमें प्राप्त हुआ है और करोड़ों अरबों वर्ष पहले ये क्रियाएं प्रारंभ हुई थी और इनमें लगातार रासायनिक परिवर्तन होते गए। तो आज के समय में हम पेड़ पौधों से प्राप्त कोयला एवं समुद्री प्लवकों से प्राप्त पेट्रोलियम का उपयोग अपने दैनिक जीवनचर्या में बहुत आयत मात्रा में करते आ रहे हैं। हमने ये देखा कि कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। तो क्या कोयला एक ही प्रकार का होता है? ऐसा नहीं है। कोयला जो है वो कई प्रकार का होता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलने के बाद वह काले रंग का हो जाता है, काले रंग का अवशेष हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब उसे तोड़ते हैं वो बहुत ही भंगुर होता है। तो वास्तव में यह कोयला नहीं है, ये लकड़ी से बना हुआ एक कोयले जैसा पदार्थ है जो कि भंगुर होता है और ये बहुत कम समय में बनता है। तो ये लकड़ी से प्राप्त कोयला है। लेकिन जब हम वास्तविक कोयले की बात करते हैं तो इस प्रकार का जो कोयला होता है वो बहुत ही कठोर होता है, पत्थर जैसा होता है और ये भंगुर नहीं होता है। तो इन कोयले की प्राप्ति किस प्रकार से हुई और कितने प्रकार के कोयले हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लगातार जब भूगर्भ में वनस्पतियों का विघटन होता गया, डिकम्पोजिशन होता गया, तो इनके डिकम्पोजिशन से, इन वनस्पतियों के विघटन से विभिन्न प्रकार के कोयले का निर्माण हुआ। ये विघटित वनस्पतियाँ सबसे पहले पीट के रूप में परिवर्तित हुई। पीट भी कोयले का एक प्रकार है जो सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो पीट है ये विघटित वनस्पतियों का एक सबसे प्रारंभ में प्राप्त होने वाला कोयले का प्रकार हुआ। अब जब लगातार इसमें उच्च ताप और उच्च दाब पर क्रियाएं होती गई तो हमें अलग अलग स्तर पर कोयले की प्राप्ति होती गई। जैसे पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट। तो ये जो कोयले हैं इन सभी में कार्बन और उसके यौगिक होते हैं और कार्बन की प्रतिशत मात्रा इन सभी प्रकारों में अलग अलग होती है और इन सभी प्रकारों में कार्बन के प्रतिशत के आधार पर ही इसके गुणों की व्याख्या भी हम कर पाते हैं। तो सबसे ऊपरी स्तर पर जब वनस्पतियों का दबना प्रारंभ हुआ तो सबसे ऊपरी स्तर पर हमें प्राप्त हुआ पीट और सबसे निचले स्तर पर हमें प्राप्त हुआ एंथ्रासाइट। तो चलिए अब हम जानते हैं पीट की क्या विशेषताएँ हैं, पीट कैसे प्राप्त हुआ। पीट कोयले का ही एक प्रकार है
और ये वनस्पतियों का कोयले के रूप में रूपांतरित होने की सबसे पहली अवस्था होती है। इसमें हम देखते हैं कि 25 से 35% कार्बन होता है और इसका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन कोयले में प्राप्त होने वाले कार्बन के प्रतिशत के आधार पर उसकी उपयोगिता भी हम देखते हैं कि अलग अलग हो जाती है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ये जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ये दूसरे लेयर पर हमें प्राप्त होता है वनस्पतियों के दबते जाने पर, उच्च दाब की क्रिया से दूसरे लेयर में प्राप्त होने वाला जो कोयला है वो है लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयला जो है वो ब्राउन कोल या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कार्बन का प्रतिशत है वह 35 से 45% होता है। ये जो कोयला होता है इसका प्रयोग प्रायः विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है। बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग में आने वाला और सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयला होता है। तो बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कोयला होता है। इसमें जो कार्बन का प्रतिशत है वह 45 से 85% तक होता है। इसका उपयोग हम देखते हैं कि तापीय जो संयंत्र होते हैं वहाँ पर प्रायः किया जाता है। सीमेंट संयंत्र, विभिन्न प्रकार के कारखाने जैसे पेपर कारखाना हो, कांच का हो, कई प्रकार के ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योगों में, कई ऐसे फैक्ट्रीज में इन कोयलों का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और इसका उपयोग जो है बहुत सारे इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि जब हम इस्पात का निर्माण करते हैं तो इस्पात के निर्माण प्रक्रिया में कोक की बहुत अधिक महत्ता होती है। और इस कोयले का प्रयोग, यानी बिटुमिनस प्रकार के कोयले का प्रयोग इस्पात संयंत्रों में कोक के रूप में भी किया जाता है। और इस प्रकार के कोयले में सल्फर की जो मात्रा है वो बहुत अधिक पाई जाती है। अगला जो प्रकार है कोयले का वह है एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट है इसे हम कठोर कोयले के नाम से भी जानते हैं और सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला भी यह माना जाता है। तो एंथ्रासाइट को हमने देखा कि यह सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाला कोयला है। लगातार क्रियाएं होते होते जब अंतिम स्तर तक हम देखते हैं तो ये एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त होता है और ये कठोर होता जाता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन का जो प्रतिशत है वो 85% होता है। और यहाँ पर इसकी उपयोगिता भी अधिक है और ये सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और इस प्रकार के कोयले की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत अधिक लंबे समय तक जलता रहता है और इसमें धुआं भी कम होता है और इसमें राख भी कम उत्पन्न होती है। तो इस कारण से, इन दोनों विशेषताओं के कारण, यानी धुआं का कम उत्पन्न होना, राख का कम बनना, इन विशेषताओं के कारण इसका उपयोग प्रायः घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कोयले के मुख्य रूप से चार प्रकार हैं, जिसमें कि पीट, फिर उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इस प्रकार चारों प्रकार के जो कोयले हैं इनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर उसकी उपयोगिता भी निर्धारित होती है। हमने देखा कि कोयले के विभिन्न रूपों में कार्बन का जो प्रतिशत मान है वह लगातार बढ़ता जाता है। कोयले में कार्बन है सिर्फ ऐसा नहीं है, कोयले में कार्बन के अलावा कई अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और नमी। तो ये जो विभिन्न जो तत्व हैं इनसे और कार्बन से कई प्रकार के यौगिक बने होंगे, तभी इस कोयले का निर्माण हुआ है। कोयले का एक निश्चित कोई सूत्र या फॉर्मूला हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं और इन तत्वों से मिलकर कई प्रकार के यौगिक बने होंगे, तभी कोयले का भी निर्माण हुआ है। क्योंकि लगातार क्रियाएं होती गई और ये क्रियाएं जो है वो ताप और दाब की उपस्थिति में हो गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई, तो कई यौगिक बनते गए,
कई यौगिकों में बंध बनते गए, टूटते गए और विभिन्न प्रक्रियाओं के होते होते कोयले का निर्माण आज हमारे सामने है और कोयले की कितनी उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में ये हमने जाना और हम देखते भी हैं कि हमारी जीवनचर्या में कोयले की कितनी महत्ता है। ये एक बहुत ही उपयोगी जीवाश्म ईंधन है जो करोड़ों वर्षों पूर्व बनना प्रारंभ हुआ और आज तक हम उसका उपयोग करते आ रहे हैं, घरों में भी, फैक्ट्री में, अपने आसपास विभिन्न प्रकार के उद्योगों में हम देखते हैं इसका प्रयोग होता आ रहा है। तो कोयले की जो उपयोगिता है इसमें किस प्रकार से निर्धारित होती है, तो अब हम ये जानेंगे कि वास्तव में समान मात्रा में जब कोयले को जलाया जाता है तो हर एक प्रकार के कोयले की जो ग्रेडिंग होती है वो कैसे निर्धारित की जाती है। तो कोयले की ग्रेडिंग या उसके जलाने पर जो ऊष्मा की मात्रा है उसकी ऊष्मीय क्षमता के आधार पर व्यापारिक उपयोग की दृष्टि से उसकी ग्रेडिंग की जाती है। अर्थात जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसकी ऊष्मीय क्षमता कितनी है यह निर्धारित करने के लिए एक पैमाना दिया गया, कोयले का ग्रेड दिया गया, जिसे हम सारणीबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कोयले के लिए जब ग्रेडिंग दी गई तो इसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या GCV के रूप में भी जानते हैं। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम देखते हैं कि किलो कैलोरी पर किलोग्राम के रूप में नापा जाता है, यानी इसकी जो इकाई होती है वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। तो अब हम ये समझेंगे कि वास्तव में ये ग्रेडिंग कैसे की गई। तो विभिन्न प्रकार के कोयले की समान मात्रा ली गई और समान मात्रा लेकर ही उसकी ऊष्मीय क्षमता का निर्धारण किया गया। तो चलिए अब हम कोयले के ग्रेड के बारे में समझते हैं। कोयले के ग्रेड को समझने के लिए हम एक सारणी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेड को अलग अलग क्रम में विभाजित किया गया है और GCV वैल्यू इसमें दी हुई है। अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो GCV वैल्यू ग्रेड 1 के लिए 7000 से ऊपर है, ग्रेड 2 के लिए 6701 से 7000 तक है, ग्रेड 3 के लिए 6401 से 6700 तक है, ग्रेड 4 के लिए 6101 से 6400 तक है, ग्रेड 5 के लिए इसी प्रकार हम देखते हैं कि 5801 से 6100 तक होती है, ग्रेड 6 के लिए हम देख रहे हैं 5501 से 5800 तक है, ग्रेड 7 के लिए 5201 से 5500 तक है, और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रेड 8 के लिए 4901 से 5200 तक होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रेड 8 है उसमें 4901 से 5200 तक है, ग्रेड 9 में हम देख रहे हैं 4601 से 4900 तक होती है। यहाँ पर जितने भी ग्रेड के रूप में हम अलग अलग कोयले का प्रकार देख रहे हैं ये GCV वैल्यू जो है वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम ली गई है। तो इसी प्रकार जब हम ग्रेड 10 की बात करते हैं तो ग्रेड 10 में 4301 से 4600 तक सकल कैलोरी मान या ग्रेड कैलोरीफिक वैल्यू मानी जाती है, ग्रेड 11 के लिए 4300 तक है, ग्रेड 12 के लिए 3701 से 4000 तक है, ग्रेड 13 के लिए 3401 से 3700 तक है, ग्रेड 14 के लिए 3101 से 3400 तक है, ग्रेड 15 के लिए 2801 से 3100 तक है, ग्रेड 16 के लिए 2501 से 2800 तक है और ग्रेड 17 के लिए 2201 से 2500 तक होती है। तो ये जितनी भी ग्रेड हम 1 से लेके 17 तक देखते हैं कोयले के प्रकार की, सब ऊष्मीय क्षमता के आधार पर दी गई है और कोयले की ग्रेडिंग के अनुसार कोयले का जो उपयोग है वह निर्धारित होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोयला कई क्षेत्रों में पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में कोयला जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है।
ये जो कोयला है अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाला, सबकी ग्रेडिंग अलग अलग होती है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोयला जो है वह किन किन क्षेत्रों में प्रायः देखा गया है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो कोयला पाया जाता है उसकी ग्रेडिंग किस प्रकार से होती है, और किस प्रकार के ग्रेडिंग वाले कोयले किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडारण में, उसके उत्खनन में, यानी कोयले को प्राप्त करने की, यानी कोयला जो खदान है उस क्षेत्र में, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोयले के उत्पादन से बहुत सारे लोगों की आजीविका है वो चलती है, और बहुत ही एक अच्छा, एक उपयोगी क्षेत्र ये माना जाता है कोयला उद्योग का। और ये छत्तीसगढ़ की एक पहचान भी है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, ये सब जो है वो कोयले की भूमिगत खदान के लिए महत्वपूर्ण हैं और खुली खदानों के लिए जाने जाते हैं। तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ कहीं पर खुली खदानें हैं, कहीं भूमिगत खदानें हैं, लेकिन कोयले का उत्पादन बहुत अधिक इन क्षेत्रों में होता है। कोरबा जिले में जो रजगामार क्षेत्र है, बगदेवा क्षेत्र है, सुरा कछार क्षेत्र है, या बांकी मोगरा क्षेत्र है, इन खदानों में जो ग्रेड है कोयले का वो G4 और G5 प्रकार का होता है। इसके अलावा जो गेवरा है, दीपिका है, कुसमुंडा है, ये जो खदान है कोरबा क्षेत्र में ही आते हैं ये। इन खदानों में ग्रेड 11 प्रकार का कोयला पाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो NTPC है, CACB, NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और CACB यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे जो तापीय संयंत्र है इनमें कोयले का बहुत अधिक उपयोग होता है। और छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो एल्यूमिनियम संयंत्र हैं जैसे बालको में है, और इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई में, और इस प्रकार तापी और इस्पात संयंत्र रायगढ़ में भी है। रायपुर के सिलतरा क्षेत्र में स्थित जो विभिन्न औद्योगिक संयंत्र है यहाँ पर भी कोयले का बहुत अधिक उपयोग होता है। तो इन क्षेत्रों में, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जैसे हमने देखा कि NTPC है, CACB है, या हम भिलाई ले लें जहाँ पर इस्पात संयंत्र है, या हम बालको ले लें जहाँ एल्युमिनियम संयंत्र है, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही जितने भी उद्योग के क्षेत्र हैं, रायपुर हो या रायगढ़ हो, सभी जगह कोयले की कितनी अधिक उपयोगिता हमें देखने को मिलती है, और कोयले के बिना इसकी कल्पना कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोयला जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक काला हीरा माना जाता है, इसे काला हीरा भी कहा जाता है। तो इसकी महत्ता बहुत अधिक है, और हमने देखा कि अलग अलग जो कोयला खदान है, चाहे वो खुला हो चाहे वो भूमिगत हो, इन सभी खदानों में जो कोयले की ग्रेडिंग होती है वो अलग अलग होती है, और इस ग्रेडिंग के आधार पर ही उसकी उपयोगिता भी निर्धारित की जाती है। कोयले से संबंधित कई ऐसे प्रश्न बनते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो जीवाश्म ईंधन, जैसा कि हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, कई करोड़ों वर्ष पूर्व जब वो पृथ्वी की सतह पर दबती चली गई और उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती गईं उच्च ताप और दाब में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये जो वनस्पति हैं उनका जो मूल रूप है वह नष्ट होता गया, और यही कई क्रियाओं के फलस्वरूप कोयले में परिवर्तित होती गईं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन का ही एक प्रकार है। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन को परिभाषित करते हैं तो हम वनस्पति और जो समुद्री प्लवक है उनके आधार पर भी कर सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में उदाहरण यदि हम देखेंगे तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही होता है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ ये बन सकता है कि कोयला कैसे बनता है। तो कोयला बनने की जो प्रक्रिया है वो कई हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व प्रारंभ हुई, और इन क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कोयला जब बना तो वनस्पतियां जो है उनका जो मूल रूप है वो विघटित होता गया, क्योंकि वहां पर सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे कई प्रकार से अपघटन होती गई और वह मिट्टी के नीचे दबता चला गया। जितनी भी वनस्पतियां थी उनके जो अवशेष हैं वो मिट्टी में दबते चले गए, उनमें लगातार
तापीय अपघटन होता गया, उच्च दाब पर क्रिया होती गई और हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती गई, तो पेड़ पौधों का जो मूल स्वरूप है वही पूरा नष्ट हो गया और हमें एक उपयोगी प्रकार का जीवाश्म ईंधन प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं कोयला। अब हमने ये भी जाना कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर कोयले में कार्बन का प्रतिशत तो हमने जाना ही कि कार्बन का प्रतिशत जो है वो एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि वास्तव में जो सल्फर है, जो तत्व सल्फर है, वह कोयले के किस प्रकार में पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। तो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है इसमें हम देखते हैं कि सल्फर की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यदि इस प्रश्न को अलग करें कि कार्बन का प्रतिशत किस कोयले में ज़्यादा है, तो उत्तर होगा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट प्रकार के कोयले में होती है। तो यहाँ पर हमने कोयले के बारे में जाना, जीवाश्म ईंधन का ही एक प्रकार है कोयला, इसके बारे में हमने सीखा। अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पेट्रोलियम भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होता है। तो पेट्रोलियम, ये जो शब्द है पेट्रोलियम, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो दो शब्द से हुई है। पहला है पेट्रा, पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, और दूसरा शब्द है ओलियम, ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो ये जो दोनों शब्द है इनसे मिलकर बना है पेट्रोलियम, अर्थात चट्टान का तेल। तो पेट्रोलियम कैसे बना ये तो हमने देखा ही कि समुद्री प्लवकों में लगातार अपघटन होता गया हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व से। तो एक गहरे तेलीय रंग के पदार्थ या विशिष्ट गंध वाले एक द्रव का निर्माण हुआ और पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ही अधिक गहराई में ये पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। और पेट्रोलियम के लिए भी ये माना जाता है कि इसका कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है वो कई सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, जिसमें सरल हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और जटिल हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। चूँकि ये कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, तो इन हाइड्रोकार्बनों को पृथक कर पाना किसी साधारण विधि से संभव नहीं है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण विधि से इनके घटकों को अलग करना संभव नहीं है और वास्तव में पेट्रोलियम से ही विभिन्न प्रकार के उपयोगी जो ईंधन हैं या उपयोगी जो पदार्थ हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, गैसोलीन, ये सब हमें प्राप्त होती है, जिसकी उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक होती है। तो जब हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करते हैं, तो प्रभाजी आसवन शब्द को समझने के लिए हमें साधारण जो आसवन शब्द है उसे पहले समझना होगा। आसवन शब्द जो है वो वाष्पन और संघनन दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है। वाष्पन यानी किसी भी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, और संघनन यानी किसी भी वाष्प का ठंडा होकर वापस द्रव रूप में परिवर्तित होना। यानी आसवन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्पन और संघनन। वाष्पन में क्या होता है, जब द्रव परिवर्तित होता है वाष्प में, तो वाष्पन हुआ। और जब ये वाष्प है वह जब ठंडा होगा और ठंडा होकर वो परिवर्तित होता है द्रव रूप में। तो दोनों प्रक्रियाओं को जब मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो यहाँ एक शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं आसवन। तो आसवन से ही उत्पत्ति हुई है, आसवन के ही प्रकार में एक आता है प्रभाजी आसवन। तो आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों में क्या अंतर है? तो यदि हम दो द्रव लें, दो द्रवों का मिश्रण लेते हैं, और दो द्रवों के मिश्रण से पहले हम आसवन की क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। यदि दो द्रवों को गर्म किया जाए, दोनों द्रवों के मिश्रण को गर्म किया जाए, तो ये दोनों ही वाष्पीकृत होते हैं। जब दोनों ही वाष्पीकृत होंगे और फिर उसे ठंडा करेंगे, तो वापस दोनों ही फिर से ठंडे हो जाते हैं। तो सामान्य जब हम तापमान लेते हैं तो सभी द्रव जो है वो लगातार वाष्पित होते जाते हैं, लेकिन जब हम गर्म करते हैं और अधिक गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसकी जो वाष्पन की क्रिया है वह बढ़ती जाती है। और
जब हम देखते हैं कि वाष्प बनने की जो मात्रा होती है वह द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया कि वाष्पन का और क्वथनांक का क्या संबंध है, तो वाष्पन और क्वथनांक का उल्टा संबंध होगा, यानी जिस तापमान पर वह वाष्प में परिवर्तित होता है वह तापमान जो है वो क्वथनांक होता है। तो यदि किसी की वाष्प की मात्रा बढ़ती जा रही है यानी उसका क्वथनांक जो है वो कम है, यानी कम तापमान पर ही वह द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता गया, तो किसी भी द्रव की वाष्प बनने की जो मात्रा होती है वह उसके क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वथनांक कम होगा तो वाष्प बनने की दर जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक यदि कम होगा तो वाष्प उसमें अधिक बनेगा, और यदि क्वथनांक अधिक है, उच्च है, तो द्रव की जो वाष्प है वो कम बनेगी। और इसी प्रकार से इन वाष्पों को जब ठंडा करते हैं तो जो निम्न क्वथनांक वाले जो द्रव हैं उनको ठंडा करने पर अधिक मात्रा में द्रव प्राप्त होगा, और उच्च क्वथनांक वाले जो द्रव हैं उनको जब ठंडा करते हैं तो द्रव की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ए और बी द्रवों का मिश्रण लेते हैं और एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे यदि हम द्रव ए लें और द्रव बी लें, और मान लेते हैं कि जो द्रव ए है वह निम्न क्वथनांक वाला है और जो द्रव बी है वह उच्च क्वथनांक वाला है। अब इन दोनों द्रवों को मिश्रित करते हैं, इन दोनों द्रवों को मिश्रित करके गर्म करते हैं, तो जब इन्हें गर्म किया जाएगा तो किस पे वाष्प जल्दी बनता है, जिसका क्वथनांक कम होगा, यानी ए की वाष्प जो है वो अधिक होगी और बी का वाष्प जो है वो कम बनेगा। जैसा हमने देखा कि क्वथनांक और वाष्प बनने की जो दर है दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। चूंकि ए द्रव जो है उसका क्वथनांक कम है तो उसका वाष्प अधिक बनेगा, और बी द्रव जो है उसका क्वथनांक अधिक है, उच्च है, तो इसमें द्रव जो है वो कम वाष्प देता है, यानी बी द्रव जो है वो कम वाष्प देगा। अब हम इसे ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर क्या होगा, तो ठंडा करने पर कोई भी वाष्प द्रव में परिवर्तित होगा, तो दोनों ही वाष्प ए के भी और बी के भी दोनों को ही ठंडा करने पर ये द्रव में परिवर्तित होते हैं। लेकिन किस में अधिक मात्रा में द्रव बनेगा, तो ए की मात्रा जो है वो अधिक प्राप्त होगी क्योंकि ए का क्वथनांक कम है, वाष्प अधिक बना। बी में जो द्रव है वह कम प्राप्त होगा क्योंकि बी का क्वथनांक उच्च है और वाष्प जो है उसमें कम बना, वाष्प कम बना तो उसमें द्रव की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव में हमने कैसे आसवन की प्रक्रिया होती है इसे हमने समझा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि ये दोनों अलग अलग क्वथनांक के अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव हैं इनको पृथक करना है, तो इनको पृथक करने की जो पूरी प्रक्रिया है वह निर्भर करती है इनके क्वथनांकों में अंतर पर, यानी प्रभाजी आसवन की जो पूरी प्रक्रिया है वह विभिन्न द्रवों के क्वथनांक में अंतर पर निर्भर करती है। तो चूंकि पेट्रोलियम के अंदर कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि इनके क्वथनांक में भी बहुत ही कम अंतर होता है, तो ऐसे जो अलग अलग हाइड्रोकार्बन हैं इनके जो मिश्रण हैं जिनके अलग अलग क्वथनांक हैं और देखा गया है कि इनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है, तो जब कम अंतर वाले क्वथनांक वाले द्रवों को अलग करना है तो इन्हें अलग करने के लिए इन्हें प्रभाजों में अलग करना होता है, और इसके लिए जो आसवन अपनाई जाती है वह प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस प्रयोग में लाई जाती है। तो साधारण आसवन विधि द्वारा इस प्रकार के मिश्रणों को पृथक करना संभव नहीं है, बहुत ही कठिन है, और इसलिए एक विशेष उपकरण का या विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि के लिए जिस प्रकार के स्तंभ का प्रयोग किया जाता है इसे हम कहते हैं प्रभाजक स्तंभ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन प्रभाजक स्तंभों में अलग अलग प्रकार से पेट्रोलियम के घटकों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम प्रभाजी आसवन की परिभाषा को समझेंगे।
प्रभाजी आसवन का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव जिनके क्वथनांक के मध्य बहुत ही कम अंतर होता है, इन्हें पृथक करने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है इसे हम प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो जिन द्रवों के मध्य क्वथनांक में बहुत कम अंतर है उनके घटकों को अलग करने के लिए प्रभाजक स्तंभ की सहायता से प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है और इसके द्वारा हाइड्रोकार्बन के विभिन्न जो मिश्रण हैं उनको अलग अलग किया जाता है। अब हम पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त जो भी पदार्थ हैं वो किस किस तापमान पर प्राप्त होते हैं और इन पदार्थों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि में जो प्रभाजक स्तंभ प्रयोग में लाया जाता है तो इनके भी अलग अलग उद्योग होते हैं और इन उद्योगों तक पेट्रोलियम कैसे लाया जाता है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो ड्रिलिंग की होती है। ड्रिलिंग के द्वारा जो गर्म जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को लेकर ही पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में इसका प्रयोग करते हैं और अलग अलग हाइड्रोकार्बन के स्तर में अलग अलग प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये जो गर्म कच्चा तेल है या क्रूड ऑयल है लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अधिक उच्च तापमान पर इस प्रकार प्रवेश कराई जाती है और जब ये प्रवेश कराई जाती है तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग तापमान पर हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं पेट्रोलियम गैस है, फिर पेट्रोल, फिर नेफ्था, केरोसिन है, गैस तेल है। इस प्रभाजक स्तंभ में अगला जो पद है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगले पद में जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है गैस तेल या डीजल के बाद स्नेहक तेल मोम, इसके बाद जो क्षेत्र है वो ईंधन तेल का है और इसके बाद अवशेष या जिसे टार और एस्फाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग जो प्रभाजक स्तंभ में अलग अलग स्तर पर हम देख रहे हैं अलग अलग क्वथनांक के आधार पर अलग अलग प्रकार के द्रव का आसवन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कच्चा तेल है वो भट्टी में प्रवेश कराया जाता है और इस कच्चे तेल को बहुत ही अधिक उच्च ताप पर, भट्टी अर्थात बहुत अधिक उच्च ताप लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म कराया जाता है और गर्म कराने पर जो द्रव है वो हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है और संघनित होकर ये द्रव के रूप में नीचे आया, लेकिन प्रारंभ में जब जो क्रूड ऑयल है वह वाष्पीकृत होकर ऊपर तक जाता है और ठंडा होकर वह नीचे की ओर आता है। तो जब वह ठंडा होकर नीचे की ओर आ रहा है तो ये द्रव रूप में आता है और जब इसे गर्म किया जाता है क्रूड ऑयल को तो ये गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और वाष्प के रूप में ऊपर की ओर जाता है और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पदों में हम देखते हैं कि संघनित होते होते वह द्रव के रूप में नीचे की ओर पहुंचते हैं। तो ये जो द्रव के रूप में अलग अलग परतों पर हमें प्राप्त होते हैं और इनका प्राप्त होना ही जो है वो क्वथनांक के आधार पर होता है। तो सबसे ऊपर हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम गैस की प्राप्ति हुई है। ये जो पेट्रोलियम गैस है इनका पेट्रोलियम गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और पेट्रोलियम गैस की जो उपयोगिता है हम सभी जानते हैं, एलपीजी गैस में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में किया जाता है, साथ ही टायर उद्योगों में भी पेट्रोलियम गैस की उपयोगिता है। दूसरा जो पद है जहां हम देख रहे हैं कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह पेट्रोल का क्षेत्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये कहा जाए कि ये इसका क्वथनांक होगा और हम ये देख रहे हैं कि इसका क्वथनांक जो है वो कम है। तो ये जिसका क्वथनांक कम है वो सबसे पहले वाष्पीकृत हुआ और वाष्पीकृत होने के बाद हम देख रहे हैं कि निम्न क्वथनांक वाला जो द्रव है वह सबसे ऊपर है और उच्च क्वथनांक वाला जो द्रव है वो सबसे नीचे है। तो यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि जिसके लिए क्वथनांक का मान कम है वह स्तंभ में सबसे ऊपर आसवित हुआ है और जिसके लिए क्वथनांक का मान अधिक है वह स्तंभ में सबसे नीचे की तरफ आसवित होकर हमें द्रव रूप में प्राप्त होता है।
यहाँ पर हम देखें कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें पेट्रोल प्राप्त हुआ। पेट्रोल की उपयोगिता आप सभी जानते हैं, मोटर कार वगैरह में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में यानी कपड़ों की शुष्क धुलाई में पेट्रोल की उपयोगिता है। इसके बाद 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें नेफ्था की प्राप्ति होती है। ये जो नेफ्था है इसका उपयोग कई सारे रासायनिक यौगिकों में भी होती है। चूँकि ये सभी जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होते हैं, जिनमें सरल हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और जटिल हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि सरल हाइड्रोकार्बन जो है वह आसानी से टूटते हैं और टूटने के बाद फिर वो जटिल रूप में भी परिवर्तित होते हैं, और जटिल जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके मध्य जो अंतरआणविक आकर्षण बल है वह भी अधिक होता है, तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से उनका जो क्वथनांक है वह अधिक होगा। और जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बनों के मध्य इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है, अंतरआणविक आकर्षण बल है, वह यदि कम होगा तो उनको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वो निम्न क्वथनांक वाले मिश्रण होंगे हाइड्रोकार्बन के। तो ये तो हमने देखा ही कि जो निम्न क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन है उससे हमें आसवन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी देखने को मिलती है और अधिक मात्रा में द्रव भी प्राप्त होता है, और प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊंचाई पर हमें ऐसे ही हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण मिलता है जिनके लिए क्वथनांक का मान कम होता है। नेफ्था भी पेट्रोलियम से प्राप्त एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग कई सारे रासायनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। इसके बाद है केरोसिन का लेयर जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आश्वित हो रहा है। आश्वित शब्द से अब तक आप परिचित हो चुके हैं, किसी भी द्रव का वाष्पीकृत होना, वाष्पीकृत होने के बाद उसका वापस ठंडा होकर द्रव रूप में परिवर्तित होना, दोनों का जो सम्मिलित स्वरूप है वह आसवन है। तो केरोसिन इस क्षेत्र में प्राप्त होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। केरोसिन का प्रयोग जो है प्रायः घरेलू ईंधनों में, कई जेट वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस तेल या डीजल की प्राप्ति होती है। डीजल का उपयोग जो है वो रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है, जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है, कई सारे भारी वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के मिश्रण का जो आसवन हुआ है, इस आसवन से जो पदार्थ प्राप्त हुआ वह है डीजल, जिसे हम गैस तेल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोलियम के प्राप्ति में या क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम के घटकों की प्राप्ति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन के बाद जो हमें क्षेत्र प्राप्त हुआ वह स्नेहक तेल और मोम प्राप्त हुआ। स्नेहक तेल का प्रयोग जो है वो मशीनों में स्नेहक तेल के रूप में किया जाता है, मोमबत्ती में किया जाता है, वैसलीन में किया जाता है, ग्रीस, जूता पॉलिश, इन सब में इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्र में हमें हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से ही अलग अलग बहुत ही उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है, जिनके क्वथनांकों में अंतर है और इसी वजह से इनके आसवन से अलग अलग उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति हो रही है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र है ईंधन तेल का, इस ईंधन तेल या फ्यूल ऑयल के द्वारा जहाज को चलाया जाता है, भट्टियों में, कई प्रकार के बॉयलर में इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद अंत में कच्चे तेल के भट्टी में गर्म करने के बाद, आसवन होने के बाद अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति हुई, और इन उपयोगी पदार्थों की उपयोगिता भी हमने देखा। अंत में जो हम देख रहे हैं वो है अवशेष, रेसिड्यू, ये भी उपयोग में आता है। रोड वगैरह बनाने में जो डामर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम टार कहते हैं, एस्फाल्ट कहते हैं, तो टार एस्फाल्ट बनाने में भी इनके अवशेष का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले घटकों को जाना, उसकी उपयोगिता को जाना।
यहाँ हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का जब प्रभाजी आसवन किया गया तो सबसे पहले कच्चे तेल को भट्टी में गर्म किया गया और इसके वाष्प को इस प्रभाजक स्तंभ में निचले भाग तक पहुंचाया गया। तो जब ये प्रभाजक स्तंभ से प्रास होता है ये कच्चा तेल, तो सबसे पहले वाष्प के रूप में ये मिश्रण के ऊपरी स्तंभ तक जाता है, वहाँ पर यह ठंडा होता है और ठंडा होकर संघनित होकर द्रव के रूप में यह वापस नीचे की ओर आता है। इस स्तंभ में हम देख रहे हैं कि आसवन की क्रिया जो है वो लगातार चलती जाती है। चूंकि प्रभाजी आसवन है तो अलग अलग क्वथनांक पर अलग अलग प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति होती है, तो चूंकि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती है, इस वजह से यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यों ऐसी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि गर्म वाष्प के कारण संघनित द्रव जो है वो पुनः वाष्प में बदल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निम्न क्वथनांक वाले यौगिक हैं वह स्तंभ के ऊपरी भाग में आसवित हो रहे हैं और इसे अलग कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्तंभ से जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो निम्न क्वथनांक से उच्च क्वथनांक वाले द्रव अलग कर लिए जाते हैं। अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को प्रभाजक स्तंभ में प्रभाज के रूप में पृथक कर लिया जाता है और सभी की उपयोगिता को भी हमने बहुत अच्छे से समझा। तो हमने ये देखा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है और आज के इस आधुनिक युग में इस प्रकार के उद्योग की निर्भरता जो है बहुत अधिक हो गई है हमारे आधुनिक जीवन शैली में, क्योंकि पूरी की पूरी आधुनिक जीवन शैली जो है वो इन उद्योगों पर ही आधारित हो गई है और इन उद्योगों में कोयला पेट्रोलियम की कितनी महत्ता है ये भी हमने समझा और वास्तव में पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से जो उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसका हमारे जीवन में कितना प्रभाव है इसको भी हमने समझा। अब हम पेट्रोलियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को समझेंगे, जैसे प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जब दो द्रवों के मध्य क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है तो उन्हें पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है ताकि दो द्रवों को पृथक किया जा सके और इनको पृथक करने के लिए प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इस आसवन की प्रक्रिया में प्रभाजक स्तंभ प्रयोग में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि वास्तव में पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन क्यों आवश्यक है और प्रभाजक स्तंभ में कौन सी गैस है जो सबसे ऊपरी क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पेट्रोलियम का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। पेट्रोलियम जो है वो कई सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है और पेट्रोलियम या जो हम पेट्रोलियम की प्राप्ति करा रहे हैं ये कच्चे तेल से क्रूड ऑयल से, इसमें कई उपयोगी पदार्थ हैं जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। तो जो निम्न क्वथनांक वाले होते हैं वे प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊपरी क्षेत्र में प्राप्त हो जाते हैं आसवन के माध्यम से और जो उच्च क्वथनांक वाले पदार्थ हैं उपयोगी अगर उसमें कुछ है तो वह प्रभाजक स्तंभ में सबसे निचले स्तर पर प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने देखा ही है कि क्वथनांक का और जो द्रव परिवर्तित हो रहा है उस पदार्थ का आसवन हो रहा है यह और क्वथनांक दोनों के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। निम्न क्वथनांक वाला जो द्रव है उसमें वाष्प जल्दी बनता है, अधिक बनता है और द्रव भी अधिक बनेगा। उच्च क्वथनांक वाला जो द्रव होता है उसके लिए वाष्प बनने की दर जो है वो कम होगी और द्रव भी कम प्राप्त होता है। तो इस वजह से ही पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन बहुत आवश्यक है। तो इस प्रश्न को भी हमने समझा। यदि एक प्रश्न आता है कि पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र क्यों नहीं होता है, पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए किसी भी यौगिक में हम देखते हैं कि तत्वों की एक निश्चित मात्रा निर्धारित होती है, उसमें मूलक होते हैं, आवेश होते हैं, तब हम किसी भी यौगिक का एक रासायनिक सूत्र निर्धारित कर पाते हैं। लेकिन चूंकि पेट्रोलियम कई सारे हाइड्रोकार्बनों का यौगिकों का मिश्रण होता है तो किसी भी एक सूत्र के द्वारा इसे व्यक्त कर पाना संभव नहीं होता है। और एक प्रश्न हमने देखा कि प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊपरी क्षेत्र में
जो गैस प्राप्त होती है उसका क्या नाम है? तो हमने देखा ही है कि प्रभाजक स्तंभ में सबसे ऊपरी क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है, और पेट्रोलियम गैस जो है वो ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग जो है वो एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में किया जाता है, जो घरेलू ईंधन है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, टायर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम गैस की भी बहुत अधिक उपयोगिता है हमारे जीवन में। अब हम पेट्रो रसायन क्षेत्र के बारे में समझेंगे। पेट्रो रसायन क्षेत्र जो है वह आज के आधुनिक जीवन शैली की एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र माना जाता है, जिसमें पेट्रोलियम से उत्पन्न विभिन्न जो रसायन हैं उनको सम्मिलित किया गया है। नाम से स्पष्ट है, पेट्रो रसायन यानी पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न रसायन, पेट्रोलियम से प्राप्त जो केमिकल्स हैं उनको पेट्रो रसायन के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो पेट्रो रसायन के प्रारंभिक उपयोग की कहानी तो बहुत ही रोचक है। बहुत पहले खाड़ी क्षेत्रों में पेट्रोलियम जो है वो धीरे धीरे गड्ढों के अंदर से अपने आप ही निकलता था। इसमें उपस्थित जो पदार्थ थे वो बहुत ही वाष्पशील होते थे। तो कुछ समय बाद ये देखा गया कि इसमें से एक चिपचिपा पदार्थ बच जाता था, तो इसका उपयोग नाव वगैरह में या नाव को जल रोधी बनाने के लिए किया जाता था। यानी पेट्रोलियम के प्राप्ति के लिए जो कच्चा तेल है, मान के चलें कि वह समुद्र के बिल्कुल गहराई में था, और ये चूंकि बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण हुआ करता था, तो इनका वाष्पन या इसकी वाष्पशील गुण के कारण जब पूरा का पूरा वाष्पन हो जाता था तो हम देखते थे कि अंत में एक चिपचिपा पदार्थ बच गया। तो लोगों ने इस चिपचिपे पदार्थ को भी नाव को जलरोधी बनाने के लिए उपयोग में लाया। तो लोगों ने इस चिपचिपे पदार्थ के उपयोग करके मकान बनाने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए, पत्थरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया। 200 वर्ष पूर्व इस पेट्रोलियम से मिट्टी के तेल की प्राप्ति हुई, या मिट्टी के तेल को अलग किया गया। फिर हमने देखा कि इस मिट्टी के तेल की कितनी उपयोगिता है। मिट्टी के तेल के द्वारा ईंधन और प्रकाश, इन सभी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा। यानी हम पुराने समय में देखते थे कि जब पढ़ाई किया जाता था तो मिट्टी के तेल की ढिबरी बनाई जाती थी और उसमें बैठकर पढ़ाई करते थे। उस ज़माने में विद्युत का उत्पादन या उसके कोई सोर्स नहीं थे, तो मिट्टी के तेल से जो बनने वाले ढिबरी हैं जिसका प्रयोग बच्चे पढ़ाई में करते थे या विभिन्न क्षेत्रों में रात के समय में उजाले के लिए, प्रकाश के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में फिर देखा गया कि पेट्रोलियम से प्राप्त एक जेली नुमा पदार्थ भी है। इन जेली नुमा पदार्थों का प्रयोग अपने जख्म को भरने के लिए या जलने के उपचार में करते थे। इसके आधार पर इसका उपयोग जो है वो सौंदर्य प्रसाधनों में भी, कॉस्मेटिक्स में भी किया जाने लगा। पेट्रोलियम जो जेली है इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई, क्योंकि इसमें जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो अलग अलग पदार्थ हैं वह एकदम से हमें प्राप्त नहीं हुए, लगातार इसमें खोज चलती गई और पुराने कई वर्षों के शोध का परिणाम है कि आज हमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो पेट्रो रसायन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों से अपमार्जक बनते हैं, यानी डिटर्जेंट की भी प्राप्ति होती है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक जैसे रेशे की भी प्राप्ति हुई है, पॉलीथीन जो कि एक बहुत ही उपयोगी बहुलक भी है जिसका उपयोग आज किया जाता है, और कई प्रकार के प्लास्टिक हैं जिसका उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। औद्योगिक एक पूरा उद्योग का निर्माण हुआ, एक बहुत ही उपयोगी उद्योग कहें जिसका निर्माण जो है वो पेट्रो रसायन की उत्पत्ति है। और आज हम देखते हैं कि इस प्लास्टिक उत्पादन के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आई है, पूरी जीवन शैली को ही इस प्लास्टिक उत्पादन में ने बदल कर रख दिया है। आज हम अपने जीवन की कल्पना करने में सोचते हैं कि कई ये प्लास्टिक उद्योग नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक किसी भी वस्तु को यदि विश्लेषण करें कि जो हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत भाग हम प्लास्टिक का करते हैं।
तो वास्तव में प्लास्टिक का उपयोग विश्व के लिए चिंताजनक स्थिति है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कई बार ये मिथ्या भ्रम भी है कि सभी प्लास्टिक जो है वो उपयोगी हैं या नहीं है। तो प्लास्टिक का जो क्षेत्र है, प्लास्टिक की जो उपयोगिता है, इसका क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से पेट्रो रसायन से जुड़ा हुआ है और पेट्रो रसायन की ही देन है आज हमारे जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, यह इसकी ही एक उपलब्धि है। और यह हमारे देश की या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक क्षेत्र भी माना जाने लगा है। विभिन्न क्षेत्रों में चाहे हम कार ले लें, चाहे हम अपने घरेलू उपयोग की वस्तु ले लें, बाल्टी, मग, कटोरे, ग्लास, बॉटल, जितने भी हम अपने आसपास किसी कुर्सी टेबल को ले लें, अलमारी ले लें या अपने घर के फर्नीचर ले लें, सभी में कहीं ना कहीं प्लास्टिक की उपयोगिता देखने को मिलती है। ये भी पेट्रो रसायन की ही देन होती है। और विभिन्न क्षेत्रों में इससे बनी जो वस्तुओं का व्यापक प्रयोग हो रहा है, इसके कारण ही इस पेट्रो रसायन के क्षेत्र की जो महत्ता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण कैसे किया जाएगा या प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने का आधार क्या क्या होता है।